बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बाकी तमाम हमारे गैर मुस्लिम व्यूअर्स को हेलो और रिस्पेक्ट। एक बार फिर से आप व्यूअर्स को लेकर आए हैं सदर सेंटर डॉग मार्केट में। यहाँ पर देखते हैं कि आज मार्केट कैसी है। वैसे आप लोग को बता दूँ कि आज मार्केट बहुत कमी है। इसकी वजूहत कुछ ये भी हो सकती है, कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। तो आइए देखते हैं कि डॉग मार्केट के अंदर यहाँ पर कौन कौन सी डॉग की ब्रीड मौजूद है, उनकी क्या प्राइस है, प्राइस आप तक पहुँचाएंगे, मार्केट आपको दिखाएंगे। आइए चल के विजिट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? ठीक, अल्लाह का करम जी। बताएं कौन सा डॉग लेकर आए मार्केट? लैब्रेडोर हो गया। अच्छा, लैब्रेडोर है। प्योर है, क्रॉसिंग नहीं है? प्योर है, प्योर पेडिग्री है। पेडिग्री नहीं है, मैं इसको लेके आया था, दो महीने की थी तो पेडिग्री नहीं, लेकिन ब्रिटिश है ये, छोटी टेल वाली। छोटी टेल वाली ब्रिटिश है, प्योर है जी। हाँ, क्या डिमांड है इसकी? मैं 55 मांग रहा हूँ। 55,000 रुपये मांग रहे हैं? अच्छा, ये बताएं कि अभी इसकी एज कितनी है? 18 महीने की, दूसरी हीट पर आ गई है। ये दूसरी हीट पर आई, फीमेल है जी। ठीक है, इसकी डाइट क्या है, क्या खिलाते हैं? मैं इसको रोल कैनल खिलाता हूँ और घर में दूध में रोटी भी देता हूँ, बस यही, और गर्दन वगैरह भी दे देता हूँ। इधर आओ। इसके अलावा इसकी एक्टिविटी ट्रेन वगैरह की आपने? इसको मैं सुबह लेके जाता हूँ वॉक पे, शाम में भी लेके जाता हूँ, सुबह भी लेके जाता हूँ। हर कहना मानती है, बच्चों के साथ छोड़ दे तो सारा दिन बच्चों के साथ खेलती रहती है ये। वैक्सीनेशन वगैरह? वैक्सीनेशन कम्प्लीट है इसकी। वैक्सीनेशन कार्ड है? जी हाँ बिल्कुल है। अच्छा, रैबिस के भी लगे हैं इसको? जी हाँ बिल्कुल लगे हैं। ये बताएं कि खरीदना चाहेगा, फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल दे दूँगा 45 की। 45 में देंगे? और अभी मार्केट में क्या रेट लग रहे हैं यहाँ पर? अभी कोई नहीं लगा, अभी लेके आऊँ, 55 मांग रहा हूँ। अभी तक लोग पूछ रहे हैं लेकिन किसी ने टच नहीं किया अभी तक मुझे। चलिए अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। नाम है मेरा आसिफ रज़ा और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 0306-3289-390। चलिए लोकेशन बता दें अपनी। गुलशन पुरानी सब्जी मंडी। गुलशन पुरानी सब्जी मंडी। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? अल्लाह करम है आप सुना। अल्लाह का शुक्र। ये बताएं क्या लेकर आएँ? जी मैं लैब्राडोर का मेल लेकर आया हूँ और साइबेरियन हस्की का मेल लेकर आया हूँ। अच्छा, लैब्राडोर का मेल लेकर आएँ, साइबेरियन हस्की का मेल लेकर आएँ। अच्छा, प्योर है, क्रॉस है? जी ये प्योर में है। और हस्की? हस्की भी प्योर में है। अच्छा, पेडिग्री नॉन पेडिग्री? नॉन पेडिग्री है। नॉन पेडिग्री है, प्योर है जी। ठीक है, तो ये बताएं कि अब इनकी एज कितनी है? ये लैब्राडोर जो है वो 11 मंथ का है और ये जो है ना ये 9 मंथ का है हस्की। ठीक है, ये बताएं कि इनको डाइट में क्या कहते हैं? जी सुबह में दूध वगैरह केक वगैरह खा रहे हैं और शाम में चिकन चावल वगैरह और घर की हर फीड के ऊपर रखा हुआ मैंने। दो टाइम इनको खिलाते हैं? जी दो टाइम खिला रहे हैं और दो टाइम वॉक है इनकी। वैक्सीनेशन के बारे में बताएं? जी वैक्सीनेशन कम्प्लीट है, लैब के मेरे पास जो है पेपर गुम हो चुके हैं लेकिन हस्की के जो है वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह मिल जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि इनके रेबीज वगैरह की भी वैक्सीन? जी रेबीज वगैरह की भी लगी हुई है। दोबारा कब रिपीट होगी फिर वैक्सीन? दोबारा रिपीट होगी इनकी दो महीने बाद। दो महीने बाद दोबारा फिर जी वैक्सीन होगी। ठीक है, तो ये बताएं कि क्या प्राइस है इनकी? जी लैब के मैं मांग रहा हूँ 45 और हस्की के 55 मांग रहा हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग में आपने इनको कुछ सिखाया? जी ये क्या घर के अंदर फैमिली डॉग हैं, घर के अंदर पूरा खुला रहते हैं ये दोनों, दोनों जो है ना फैमिली के साथ अटैच हैं, खेलते रहते हैं, पॉटी ट्रेन वगैरह हर चीज़ में बुलाओ इनको आते हैं, हर चीज़ पे ट्रेन है ये। अच्छा, वॉकिंग की टाइमिंग क्या है इनके? इनकी सुबह के टाइम एक वॉक होती है इनके और इनकी शाम में एक वॉक है लास्ट रात के टाइम पे। रात के टाइम इनको एक वॉक देते हैं, एक सुबह के टाइम? सुबह के टाइम पे इनको वॉक है, सुबह 8:30 बजे की वॉक है और एक रात में जो है ना 10:30 बजे के टाइम पे एक वॉक होती है। ठीक है, ये बताएं कि हमारा अगर कोई व्यूवर खरीदने में इंटरेस्टेड होगा तो हमारे व्यूवर्स को क्या प्राइस देंगे आप? जी मैं देखें 45 इज लैब की डिमांड कर रहा हूँ लेकिन इसको फाइनल जो है ना 40 में फाइनल कर दूंगा और इसको 45 में फाइनल कर दूंगा। साइबेरियन हस्की की 45 में फाइनल है और ये ना 40 का फाइनल है लैब की। चलिए अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। जी मेरा नाम हैदर है, 0334-3688-256। लोकेशन क्या आपकी? लोकेशन सोलह बाजार नंबर 1। चलें, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुने। अल्लाह का शुक्रिया। बताएं कौन सी नस्ल का डॉग लेकर आए? ये जर्मन शेपर्ड है। जर्मन शेपर्ड है, प्योर है, क्रॉस है? ये प्योर है। प्योर है जी। अच्छा, पेडिग्री है कि नॉन पेडिग्री है? नॉन पेडिग्री है। नॉन पेडिग्री है, प्योर ब्रीड है जी। ठीक है, क्या डिमांड है इसका? भी लगा है 50 लगा है। 50,000 रुपये आपने डिमांड रखी है। और ये बताएं कि इसकी एज कितनी है? इसके 3.5 महीने के। 3.5 महीने की। ठीक है, वैक्सीनेशन आपने करवाई है इसकी? नहीं करवाई। वैक्सीनेशन नहीं करवाई? वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई, क्या वजह? टाइम नहीं है ना, अभी काम पे होते हैं इसलिए। आपके पास टाइम नहीं इसलिए आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई? हाँ, इसलिए हम लोग भेज रहे, इसको टाइम नहीं दे पा रहे ना इसलिए। ये बताएं कि इसको खाने में क्या क्या दिया जाता है? खाना में एक टाइम गोश्त के देते हैं उबला हुआ और एक टाइम में दही और रोटी। एक टाइम में गोश्त देते हैं, एक टाइम में दही और रोटी देते हैं जी। ये दो टाइम खिलाते हैं जी। ठीक है, वॉकिंग की इसकी कितनी टाइमिंग है? दो टाइम है। दो टाइम इसको वॉक करवाते हैं जी। सुबह के टाइम लेके जाते हैं जी, सुबह और रात को ईशा के बाद। अच्छा, वैक्सीनेशन इसकी कम्प्लीट नहीं है? नहीं, वो कम्प्लीट नहीं है। एज कितनी बताई आपने? 3.5 महीने। 3.5 महीने इसकी एज है जी।
अगर हमारा कोई व्यूअर खरीदने में इंटरेस्टेड होगा ये बताएं फाइनल कितने तक में देंगे? इंशाल्लाह 40-45 तक दे देंगे। 40-45 में देंगे। अच्छा ये बताएं इसके कान टेढ़ा हो रहा है? ये अभी इसका जो वैन था ना वो भी ऐसे ही था, जब थोड़ा जवान हो जाएगा 4-5 महीने का इंशाल्लाह कड़ा हो जाएगा। गारंटी है जी जी, ये कड़ा हो जाएगा, इसका गारंटी है। इसकी वजह से तो इसकी कीमत गिरनी चाहिए, और अब इसकी उम्र इतनी हो गई, अब इसका कान कैसे सही होगा? हो जाएगा, ऐसे ही हो चुका है। नहीं नहीं हो जाएगा, हमारे पास दूसरे भी है इसका। इस चीज़ की आप गारंटी लेते हैं कि सही हो जाएगा? अगर जैसे सही नहीं होता तो वापस ले लेंगे, मसला नहीं, हम लोग ले लेंगे वापस, हमारी चीज़ हम ले लेंगे। चलें ठीक है, अपना नाम बताएं, फ़ोन नंबर बताएं। नाम मेरा अहमद अली है, फ़ोन नंबर 0311-24-87-85-8। ठीक है, लोकेशन बता दें अपनी। लांडी। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे व्यूअर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे जनाब? माशाल्लाह, बच्चों को लेकर आए हैं? बच्चा जर्मन शेफर्ड परचेज करने आया, वो अपना फीमेल तो है ऑलरेडी, मेल लेने आया। अच्छा, चलें इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रियान अली शेख। अच्छा, कौन सा डॉग लेने के लिए आए? मुझे लग रहा है बच्चा भूल गया कौन सा डॉग लेने आया। इसको याद है, बल्कि यही पूरा उसको टेक केयर कर रहा होता है। बताओ आप कौन सा लेने आओ? काफ़ी नर्वस हो रहा है बच्चा। अच्छा ये बताएं कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये अभी KG 2 में। अच्छा, मार्केट विजिट करिए, आपने देखा मार्केट कैसी रही? मार्केट तो आप लोगों के पास ही आया हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आप मुझे तो भरोसा ही आप लोगों पे, तो इसलिए आप लोगों के पास आके वो डील करना है जो भी आप लोग दिलाएंगे अभी। वैसे चैनल से मुतालिक क्या कहना चाहेंगे आप? चैनल तो आप लोगों का बगैर स्पीचलेस है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है, और चैनल की क्या तारीफ करें, आप लोगों के तवज्जो से लोगों की हेल्प हो रही है, हर चीज़ हो रही है, ये ज़्यादा अच्छा है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को बता दूं कि समीर साहब हैं जिन्होंने जो हमारे लालू के बर्ड्स मार्केट में कैंसर वाली खातून आई थी, जिन्होंने बताया था कि हमारे राशन का प्रॉब्लम है, तो समीर साहब ने उनका पूरे महीने का राशन बांधा हुआ, और समीर साहब भी उनका राशन का करते हैं। तो समीर साहब आज आए हैं, इनको डॉग चाहिए था, तो हमने कहा कि बिल्कुल आप इसी टाइमिंग पर आ जाएँ तो इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। तो आज इनकी कोशिश ये है कि जर्मन शेफर्ड यहाँ पर देखें, क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर गर्मी की वजह से, तो हमें जर्मन शेफर्ड मार्केट में कम नज़र आ रहे हैं। अगर इंशाल्लाह कोई नज़र आया तो समीर साहब को दिलवाएंगे। थैंक यू। ठीक है, चले हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह वो शेयर तो है, शेयरिंग तो है आप लोगों की। चले इंशाल्लाह कोई जर्मन शेफर्ड आता तो आपको दिलवाते हैं। सही। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? परियास हैं? अल्लाह करम सर। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आए? सर जर्मन शेफर्ड है। जर्मन शेफर्ड लेकर आए जी सर। प्योर क्रॉस है सर? प्योर है। अच्छा, पैटीगरी है क्या? नहीं सर, नॉन पैटीगरी। नॉन पैटीगरी प्योर ब्रीड है। अच्छा ये बताएं क्या एज है इसकी? सर इसकी 10 मंथ एज है। 10 मंथ इसकी एज है। क्या डिमांड रखी आपने? सर डिमांड तो 60 रखी है, मगर आपके व्यूअर के लिए 40 का दे देंगे। तो ये बताएं कि इसके डाइट क्या है? सर इसको तो हम बोनलेस चिकन ही देते हैं, मगर घर की हर चीज़ खा लेती है, और डॉग फूड वगैरह हर चीज़ खा लेती है। तो कितने टाइम खिलाते हैं आप इसको दिन में? 2 टाइम, एक टाइम दूध है। एक टाइम इसको दूध दिया जाता है, और एक टाइम जैसे कि केक वगैरह दे दिया सुबह के टाइम पे, नाश्ते के टाइम पे, रात में चिकन है, दिन में दूध वगैरह दे दिया। दिन में दूध वगैरह देते हैं, रात को चिकन देते जी सर। और वॉकिंग कितने टाइम करवाते हैं? वॉकिंग इसकी 1 टाइम होती है, क्योंकि टाइम नहीं होता, नहीं होती तो वैसे 2 टाइम है, टाइम की वजह से 1 टाइम करवाते हैं। ये बताएं वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट? सब कुछ कंप्लीट है, बुक है हमारे पास। अच्छा, वैक्सीनेशन कार्ड है जी? ये मुकम्मल वैक्सीनेशन कार्ड है। वैक्सीनेशन कम्प्लीट है, रैबिस वगैरह तमाम सब कुछ हुआ हुआ है। ये रिपीट कब होगी फिर? ये तकरीबन डेट लिखी होगी 22 में होगी, 10वें महीने में दोबारा रिपीट होगी। ठीक है, ये बताएं हमारे व्यूअर अगर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड होता है फाइनल कितने तक में देंगे जर्मन? सर फाइनल 40 तक दे देंगे। 40 तक में देंगे। अच्छा ये भी बता दें मेल है फीमेल है? सर फीमेल है। फीमेल है, 40 तक में देंगे जी सर। ठीक है, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर? मोहम्मद वकार मेरा नाम है, 0313-230-4378। अच्छा, लोकेशन क्या आपकी? लोकेशन हमारी लांडी कराची, लांडी भैंस कॉलोनी के करीब। चले बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। मेहरबानी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब? करियस हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सी ब्रीड लेकर आए? ये जर्मन शेफर्ड फीमेल लेकर आए। जर्मन शेफर्ड की फीमेल लेकर आए जी। तो ये बताएं प्योर क्रॉस है? ये प्योर ब्रीड है, स्टार्ट स्टॉप वाली है। नॉन पैटेगरी है? नॉन पैटेगरी है। ठीक है, प्योर ब्रीड है, नॉन पैटेगरी है जी। एज क्या है इसकी? एज इसकी है 3 साल। 3 साल इसकी एज है। अच्छा, क्या डिमांड है? 50 डिमांड है। ठीक है, डाइट वगैरह के बारे में बताएं इसकी? डाइट वगैरह में ये है कि कल्ले का गोश्त और रोटी देते हैं हम लोग। कितने टाइम खिलाते हैं? 2 टाइम। 2 टाइम इसको खिलाया जाता है। ठीक है, और वैक्सीनेशन के बारे में बताएं? वैक्सीनेशन मैंने बड़ी ली थी, वो कह रहा है वैक्सीनेशन हुई है लेकिन कार्ड नहीं है। वैक्सीनेशन हुई भी लेकिन कार्ड नहीं है। रिपीट कब होगी आपने मालूम किया? रिपीट वो कह रहा था ये कि 2022 तक तो लगी हुई थी, उसके बाद लगवानी पड़ेगी। तो ये बताएं कि इसको वॉकिंग कितने टाइम करवाते हैं आप?
वॉकिंग ये ग्राउंड में खुली रहती है, वॉक इसकी एनी टाइम होती रहती है। कितने टाइम इसकी चहलकदमी में होती है तकरीबन, कितने घंटे करते हैं? आधा घंटा इसको खोला जाता है ग्राउंड में, उसके बाद बंद कर देते हैं फिर केज में। ये बताएं अगर हमारा कोई व्यूअर खरीदने में इंटरेस्टेड होगा तो फाइनल कितने तक में देंगे डॉग? इंशाल्लाह कोई आएगा तो फिर कर लेंगे, हमें पेशी कर लेंगे। जी जी, वैसे फैमिली के साथ रखा जा सकता है, ये बिल्कुल फ्रेंडली है, फैमिली डॉग है। चलें अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। नाम मेरा मून है, कॉन्टैक्ट नंबर 03428352877। अच्छा लोकेशन बता दें अपनी। शाह फैसल कॉलोनी 4 नंबर। चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब परियस हैं? ठीक ठाक भाई, शुक्र खुदा का। जी ये बताएं कौन से डॉग लेकर आए मार्केट में? लैब्राडोर लेकर आया हूँ, फोम कलर वाइट कलर में और ब्लैक कलर में। तीन डॉग लेकर आए? दो है, दो दो लेकर आए। ये वाले एक ब्राउन कलर में और एक ब्लैक में। ठीक है, ये बताएं कि क्या प्राइस है इनके? ये 60,000 रुपये दोनों के पेयर है। ये पेयर के 60,000 रुपये? हाँ, ब्राउन वाला जो है मेल है, ब्लैक वाला फीमेल है। अच्छा ये बताएं वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट है इनके? वैक्सीनेशन यार अभी मुझे 3 दिन हुए लिए, लेकिन उसने कार्ड वार्ड नहीं दिया अभी तक मुझे। कार्ड नहीं दिया लेकिन हुई है वैक्सीन? हाँ वो कह रहा है हुई है। ठीक है बताएं रिपीट कब तक होगी? रिपीट जो है 6 महीने में समथिंग हो जाएगी, अभी 6-7 महीने में ना। अच्छा ये बताएं डाइट वगैरह क्या इनकी? डाइट कलेगा गोश्त है और चावल दलिया। तो कितने टाइम खिलाते हैं इनको? एक टाइम मैं खिला रहा हूँ। एक टाइम इनको दिया जाता है? हाँ जी। वॉकिंग की टाइमिंग क्या है, कितने टाइम वॉक करवाते हैं? वॉक भी एक टाइम ही करवाते हैं, खाना खिलाने के बाद 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद ले जाते हैं। तो खाना किस टाइम खिलाते हैं? रात के टाइम? रात के टाइम तकरीबन 7-8 बजे। इसका फेस दिखाएगा कैमरे की तरफ। गर्मी की वजह से जो है ना थोड़े मुरझाए हुए हैं, बाकी एक्टिव है, फ्रेंडली पेयर है बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि हमारा कोई व्यूअर खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल 50 कर देंगे। पेयर 50 तक में? पेयर, हाँ पेयर। मेल फीमेल है? मेल फीमेल है, वाइट वाला मेल है और ब्लैक वाली फीमेल है। चले अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर बता दें। नाम पैट्रिक है, कॉन्टैक्ट नंबर 03433456458। लोकेशन आपकी? पहलवान गुड गुलस्तान जोर। चले बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब करियर से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा डॉग लेकर आए? ये बुलडॉग ही है सर, क्रॉस में। क्रॉस में ही है, क्या डिमांड है इसकी? इसकी 80 सर। 80,000 मांग रहे हैं, क्रॉस में ही है। ठीक है, अभी इसकी उम्र कितनी है? 7 महीने है सर, बच्चे है। 7 महीने अभी बच्चा है ये जी। तो मतलब और मजीद साइज निकालेगा ये? जी सर, अभी और मजीद निकालेगा, जितना इसका डबल करेगा उतना कद थोड़ा और निकालेगा। ये लड़ाई में अक्सर होता है गाँव में लोगों के पास। ये बताएं खाने में क्या देते हैं इसको? खाने में इसको सर रोटी अल्लाह दूध है इसका और पंजे हैं साफ उबले हुए। तो रोटी दूध और पंजे वगैरह मिला के जी, कितने टाइम खिलाते हैं? खुशक इसकी पास है, हर वक्त पास रहती है इसके खाने पीने। कितने टाइम खिलाते हैं? दो टाइम खिलाते हैं। दो टाइम लाजमी होता है इसके, लाजमी दो टाइम इसको खिलाया जाता है। और वैक्सीनेशन वगैरह कम्प्लीट है इसकी? जी सर बिल्कुल। वैक्सीनेशन कार्ड है आपके पास? नहीं सर, ये गाँव से लाए थे भाई पालने के लिए, हमारे घर का है अक्सर, तो अभी घर पर इतना टाइम नहीं दे सकते, तो भाई ने बोला ले चलते हैं। वैसे ही सर ये बताएं कि अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे? सर फाइनल इसका 75 तलक हो जाएंगे बस, 5 लाख में। 75,000 रुपये होंगे, इससे कम में नहीं देंगे? नहीं सर। ठीक है, अपना नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर। मैं हूँ सर। फ़ोन नंबर 03003435243। अच्छा लोकेशन क्या आपकी? लोकेशन कुरंगी क्रॉसिंग सर, नासिर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह हामिद। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से हैं? जी जी सर। ये बताएं कौन से डॉग लेकर आएँ? रशियन। रशियन लेकर आए? हाँ जी। प्योर है बिल्कुल ये? हाँ जी। अच्छा क्या मांग रहे हैं इनके आप? मैं 25,000 जोड़े का मांग रहा हूँ। जोड़े के 25,000 मांग रहे हैं? अच्छा मेल फीमेल है? हाँ। ठीक है, ये बताएं वो क्या खिलाया जाता है? ये घर का जो हम लोग खाते हैं वही जो खाते हैं वही खिलाते हैं इनको। हाँ। अभी इनकी उम्र कितनी है? अभी हैं 5-6 महीने के। 5-6 महीने के हैं। वैक्सीनेशन कम्प्लीट है इनकी? हाँ जी। वैक्सीनेशन कार्ड है आपके पास? नहीं कार्ड तो नहीं है, घर पर खुद ही लगाते हैं ला के। तो रिपीट कब होगी इसकी वैक्सीन, दोबारा कब लगेगी? अभी तो लगा चुके हैं हम लोग। अभी लगा चुके हैं? हाँ, साल में एक दफ़ा लगती है, यानी अगले साल लगेगी अब। हाँ। ये बताएं कि फाइनल कितने तक में देंगे जोड़ा? फाइनल कितने तक में देंगे जोड़ा? क्या मतलब? आखिरी दाम क्या हो जाएंगे इसके? कोई कम करवाएगा तो कर लेंगे। बता दें देने वाले रेट बता दें। हाँ? देने वाले रेट बता दें। क्या बताऊँ, 20 बोल दो, 5 छोड़ देंगे। 20,000 में जोड़ा दे रहा हूँ। चलें अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। सलाम है। फ़ोन नंबर फ़ोन रखते ही नहीं मैं। फ़ोन नहीं आपके पास? चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब का यस हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्रिया। बताएं कौन से डॉग लेकर आए? हस्की है, साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की पपीज लेकर आए? जी जी। प्योर है क्रॉस है? प्योर है। ठीक है, पेडिग्री नॉन पेडिग्री? नॉन पेडिग्री।
नॉन पेट के लिए प्योर है बिल्कुल जी जी ठीक है बताए क्या डिमांड है 60,000 दोनों के एक बच्चे के 60,000 जी जी अच्छा तो ये बताएं कि इनको भी डाइट वगैरह में क्या दे रहे हैं ये यही दलिया वगैरह चिकन चावल खा रहे हैं ये खाने पीने पे जी जी आगे हैं खाने पार्वो की वैक्सीन कर पार्वो की वैक्सीन मैंने अभी तक नहीं कराई पार्वो के दो मंथ के होंगे फिर एक वैक्सीन अभी इनकी उम्र कितनी है 45 डेज के हैं दो महीने के होंगे फिर पार्वो की करवाएंगे जी जी ये बताएं कि अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे 55 तक और अभी मार्केट में क्या रेट लग रहे हैं मार्केट में तो अभी आए हैं हम अच्छा अभी कोई रेट नहीं लगे अभी आए हैं चले पर नाम बता दें फ़ोन नंबर बता दें नाम मेरा शान है और फ़ोन नंबर है मेरा 0308-81-666-92 लोकेशन बता दें अपनी करंगी चले बहुत शुक्रिया जजाकल्ला अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे जनाब खैरियत से हैं ठीक अल्लाह का शुक्र जी ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आए हस्की हस्की लेकर आए हैं जी ठीक है प्योर है क्रॉस है प्योर है प्योर है पेडिग्री है जी नो नॉन पेडिग्री है क्या डिमांड है इसकी 1,00,000 इसका फेस दिखाएगा कैमरे की तरफ 1,00,000 रुपये डिमांड है इसकी जी मेल है फीमेल है ये मेल है मेल है और इसकी उम्र कितनी है एक साल इसकी उम्र है अच्छा डाइट वगैरह में क्या क्या दिया जा रहा है इसको इसको गोश्त दिया जा रहा है और दही भाई ये चीज़ गोश्त और दही खिलाते हैं तो ये बताएं कितने टाइम देते हैं इसको इसको हम लोग ये 1-2 घंटा कुछ समझ में नहीं आया 1-2 घंटा मतलब दिन में कितनी दफ़ा देते हैं खाना तो दो टाइम खिलाते हैं जी ठीक है दो टाइम ये खाता है और वॉक कितनी दफ़ा करवाते हैं इसको दिन में इसको सिर्फ रात में करवाते हैं सिर्फ रात में एक टाइम वॉक करवाई जाती है ठीक है ये बताएं कि अगर कोई ख़रीदने में इंटरेस्टेड होगा फाइनल कितने तक में देंगे आखिरी रेट बता दें देने वाले 85,000 जी 85 ठीक है चलें अपना नाम बता दें फ़ोन नंबर बता दें उमर नाम है मेरा 0321-9287-242 अच्छा ये भी बता दें अभी मार्केट में क्या रेट लगा इसका इसके 75,000 रुपये लगे आपने दिया नहीं नहीं और मार्केट में ला के बेचने की वजह क्या बस ये अभी हम लोग गर्मी आ गई ना गर्मी की ऐसे बेच मैंने लोकेशन बता दें अपनी लोकेशन मेरी नोट नाजमाबाद चलें बहुत शुक्रिया जजाकल्ला अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे जनाब खैरियत से अल्लाह का शुक्र जी बताएं क्या लेकर आए सर ये एक बकरवाल ब्रीड है 18 महीने की फ़ीमेल है हीट पे और एक जर्सी टेरियर है इसका कलर काफ़ी कॉमन सा लगता है वैसे देखने में इसका कलर कलर से हमारे यहाँ के आम डॉग्स होते हैं उनमें थोड़ा सा मैच कर रहा है ऐसा कलर नहीं एक बात कह रहा हूँ सर डॉग तो देखे हस्की में भी आता है ऐसे ही आम कलर तो डॉग्स में आते हैं बाकी ये जैसे अगर कोई नॉर्मल बंदा होगा पहचान नहीं सकेगा ये नस्ली डॉग है नहीं सर क्यों नहीं पहचानेगा इतने बड़े बड़े बाल हैं इसके नस्ली कुत्ते के इतने बाल तो नहीं होते बालों से पहचान अच्छा ये बताएं कि क्या डिमांड है इसकी सर इसके 20,000 रुपये डिमांड है दिखाएगा इसको आगे की तरफ ठीक है ये बताएं इसकी उम्र कितनी है ये 18 महीने का और वैक्सीनेशन वगैरह कम्प्लीट है इसकी वैक्सीनेशन कार्ड आपके पास मौजूद है सर कार्ड मेरे पास है लेकिन मैं लेके नहीं आया कार्ड आपके पास है लेके आप नहीं आया मार्केट में अगर कोई खरीदेगा तो यानी कार्ड मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा और इसको खाने पीने में क्या क्या दिया जा रहा है चिकन चावल देने कितने टाइम खिलाते हैं दो टाइम इसको दे रहे हैं ठीक है और इसके अलावा प्लेफुल है आपके सामने फैमिली डॉग है फैमिली में रखा जा सकता है काटेगा तो नहीं ये देखो वॉकिंग कितने टाइम करवाते हैं इसको दो टाइम इसको क्योंकि ये पॉटी ट्रेंड है पॉटी यूरिन या घर में नहीं करती बाहर करती इसको दो टाइम लेके जाना पड़ता है अच्छा फीमेल है फीमेल है ये बताएं कि अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे आखिरी रेट सर कम से कम कर लेंगे आपके व्यूवर्स के लिए इसके अलावा क्या लेकर आते हैं आप रशियन टेरियर लेकर आते हैं क्या डिमांड है सर इसके 12,000 रुपये जी उम्र कितनी है इसकी ये 2 साल की है और इसकी भी डाइट चिकन चावल अच्छा इसको भी दो टाइम खिलाते हैं इसकी भी वॉक की दो टाइमिंग है नहीं वॉक नहीं है इसकी घर में ही रहती है वॉक नहीं है उसकी और फाइनल डिमांड सर फाइनल इसका भी कर लेंगे व्यूवर्स के लिए हमेशा ही करते हैं और इसके अलावा बस यही दो हैं बाकी वही लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड के पप्पीज मेरे पास रखे हुए हैं दो और रखे हुए हैं अगर किसी को चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर ले नाम बता दें फ़ोन नंबर बता दें हाँ नाम है 0341-4941-934 कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा लोकेशन बता दें आज़म टाउन अहमदाबाद चलें बहुत शुक्रिया जजाकल्ला शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम सर कैसे जनाब खैरियत से करम जी बताएं कौन सी नस्ल का डॉग लेकर लैब्राडोर है प्योर है क्रॉस है प्योर है पेडिग्री डॉग अच्छा डॉक्यूमेंट्स है पेडिग्री के डॉक्यूमेंट्स इसके मौजूद है पेडिग्री डॉग है क्या डिमांड है 40,000 इसकी डिमांड है अच्छा ये बताएं कि अभी इसकी उम्र कितनी है 10 मंथ इसकी एज है मेल है फीमेल है मेल और खाने पीने में इसका रूटीन क्या जो डेली वाइज जो चिकन राइस डॉग फूड कितने टाइम खिलाते हैं दो टाइम इसको दिया जाता है ठीक है और वॉकिंग की टाइमिंग कितनी है एक घंटा इसको वॉक करवाते हैं कितने टाइम करवाते हैं दो टाइम इसको वॉक करवाते हैं मॉर्निंग टू नाइट
और ये बताएं इसके अलावा फैमिली के साथ रखा जा सकता है? फैमिली डॉग है, प्लेफुल है बिल्कुल। यस। परेशान तो नहीं करता? नो। ठीक है, ट्रेन किया आपने इसको? जी जी, मैंने ट्रेन करा। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखा दिया इसको? बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, शेक हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, सिट डाउन, स्टे, जो बेसिक ट्रेनिंग इसको सिखाई है। ठीक है, ये बताएं कि अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे? सॉरी, मैंने कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे? 35 तक छोड़ दो। 35 में देंगे। ठीक है, वैक्सीनेशन के बारे में भी बता दें। वैक्सीनेट इसी कंप्लीट हो गई है, वैक्सीनेशन कार्ड वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जी जी, चलें पर नाम बता दें, फ़ोन नंबर? नाम जॉन है। फ़ोन नंबर? 0300-375-463। लोकेशन बता दें अपनी? ये अपना गोरा कब्रिस्तान के पास। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब? खैरियत से? ठीक, दुआ आप? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कौन सा डॉग लेकर आए? बुल्ली है। बुल्ली है, प्योर है बिल्कुल? ये प्योर बुल्ली है, पंजाब की है, 1.5 साल उम्र है इसकी। 30,000 रुपये डिमांड करी है मैंने। 30,000 रुपये डिमांड है। खाने पीने में क्या खिला रहे हैं इसको? कुछ भी, दूध रोटी खिला दो, गोश्त खिला दो, कुछ भी, हर चीज़ पे। कितने टाइम खिलाते हैं? 3 टाइम इसको देता हूँ, सुबह शाम रात को। 3 टाइम इसको खिलाया जाता है। और वैक्सीनेशन वगैरह कंप्लीट है? कंप्लीट। कार्ड वगैरह मौजूद है इसके? ठीक है, बताएं कि अगर कोई खरीदना चाहेगा फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल में इसकी आखिरी डिमांड है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये इसकी डिमांड है। चलें, अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। मेरा नाम सोनू है और दूसरा नंबर याद नहीं है मेरे को यार, अपना नंबर नहीं, मोबाइल नहीं। अच्छा, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको टहला के दिखा दें। हाँ, जरा जरा फिर हो गई, थोड़ा यहाँ वैसी नहीं जाएगी। हाँ जरा आ पल्ली जगह होगी अभी, इसकी जंजीर भी खोलूँगा, ये कहीं भी नहीं जाएगी, इंसानों को देख के वह घबराएगी। घर का पला हुआ जानवर है समझो। ठीक है, थोड़ा सा घबराया हुआ है। हाँ, घबराया हुआ, घर का पला हुआ जानवर है। बाकी इसी वैसे कोई बात नहीं है, डरने की चकमक नहीं मारती है इसको। मैंने दुम्बो के साथ छोड़ा हुआ है, चूजे इसके साथ घूमते, आज तक किसी को भी इसने नहीं पकड़ा समझो ऐसा। चले, नाम बता दें, अपनी लोकेशन बता दें। मेरी लोकेशन नाजमाबाद की है। सही है, नाम मेरा सोनू है। फ़ोन नंबर नहीं आपके पास? फ़ोन नंबर नहीं है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे साकिब भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। ये बताएं आज कितने डॉग लेकर आए मार्केट में? आज लाने का इरादा तो 20 डॉग था, लेकिन फिलहाल 3 लाया हूँ। पाँच से 3 आ गए। 20 लेके निकले थे, आते आते असल में हमारे पास हेलीकॉप्टर है ना, छोटा, छोटे साइज का, उसमें 3 ही आ सकते हैं। लेके तो 20 निकले थे, मार्केट में 3 पहुँचे। बस ऐसे समझ गए। ये बताएं कौन कौन से डॉग हैं? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, वाइट वाला। ये रशियन सम वाइट है, पिंक नोज में। रशियन सम वाइट है? जी जी। प्योर है बिल्कुल? बिल्कुल प्योर, बिल्कुल। खेल मस्तियाँ देखें इसकी। आ जा जी, बहुत खेलने वाला है माशाल्लाह, फ्रेंडली है बिल्कुल। आओ जी। मेल है, फीमेल है? मेल है, मेल। क्या डिमांड है इसकी? इसकी यार फाइनल 15,000 रुपये। फाइनल 15,000 रुपये? जी जी। और वैक्सीनेशन वगैरह कम्प्लीट है इसकी? वैक्सीनेशन हुई है, जहाँ से लिए उससे पहले से हुई है, मैंने नहीं करवाई। आपने नहीं करवाई, जहाँ से लिया वहाँ से हुई थी। और इसके अलावा ये हस्की? ये साइबेरियन हस्की, फोन कलर में है, गोल्डन कलर भी कहलाता है ये। ये है 8 से 9 महीने की। 8 से 9 महीने। इसकी वैक्सीनेशन के बारे में बताएं? इसकी वैक्सीनेशन भी हुई हुई है, और जो लेगा 15-20 दिन या महीने बाद करवा ले, मसला नहीं है। रेबीज का नहीं, कार्ड किसी का भी नहीं है मेरे पास। कार्ड नहीं है किसी का भी? जिससे भी पूछो कार्ड है, बोलते हैं मिस हुआ हुआ है, मिस हुआ हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास तो 2-3 दिन लेता है, जानवर चला जाता है। और जर्मन शेफर्ड? ये जर्मन शेफर्ड की फीमेल है। कितनी एज है इसकी? ये भी 8 से 9 महीने की है, बहुत समझदार है माशाल्लाह, और गार्ड डॉग के लिए भी बहुत बेहतरीन है, और फैमिली के लिए भी, रखने के लिए, घर के लिए भी बेहतरीन है। चेक इन वगैरह हर चीज़ समझती है। वैक्सीनेशन तो हुई है इसकी भी? जी, वैक्सीनेशन बिल्कुल हुई हुई है। अच्छा, ये बताएं कि इनकी डिमांड क्या है, इनकी प्राइसेस बताएं। ये 70,000 रुपये की है हस्की। ठीक है, ठीक है। और ये 15,000 रुपये का फाइनल मेल है, ये रशियन सम वाइट। जी, पिंक नोज में है, खूबसूरत है माशाल्लाह, और हाइट भी छोटी है इसकी। और ये जर्मन शेफर्ड की 9 महीने की फुल देख लें, लंबी चौड़ी फीमेल है। और ये 45,000 की है फाइनल, आपके व्यूवर्स जो आएगा उसको 40 में दे दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं साकिब भाई, इनका रूटीन क्या है, इनको डाइट में क्या क्या दे रहे हैं अभी? डाइट में चिकन की गर्दन दे रहा हूँ फिलहाल, अभी सिर्फ चिकन की गर्दन दे रहा हूँ। गर्दन दे रहा हूँ, और दिन में दही खिला देता हूँ सुबह के टाइम ना। 2 टाइम इनको दिया जा रहा है खाना दिन में, यानी कि दही वही वगैरह खिलाता हूँ, और 2-4 गर्दनें डाल देता हूँ दिन में कम, यानी कि नाश्ते के तौर पर, और रात में ज़रा ज़्यादा गर्दनें खिलाता हूँ, वो सही रहता है। अच्छा, हमारे ऊपर कॉन्टेक्ट करेंगे, कमी पेशी कर लेंगे ना इसमें? जी जी, इंशाल्लाह जो सकेगा कर लूँगा। ठीक है साकिब भाई, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करें अपना। जी, 0312-2912-531।
आज आप जरा सुस्त सुस्त लग रहे हैं, खैर तो लोकेशन बता दें। हाँ थोड़ी तबीयत सही नहीं है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक से तो तंदुरुस्त अता फरमाए आपको। लोकेशन है लांडी नंबर 1 छोटी मार्केट, नंबर पे कॉन्टेक्ट कर ले बस, अगर किसी कोई करीब में होगा तो, कोई आ नहीं सकेगा तो मैं खुद ले आके दे दूँगा उसको जो भी चाहिए हो, और जो आ सकता हो तो आगे तसल्ली करके देख के चेक करके ले जाए, मसला नहीं। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं, मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि ठंडी चल रही है, कस्टमर आ रहे हैं, आखिरी दिन है ना, रमज़ान भी आ रहे हैं, फिर आखिरी तारीख है महीने की, तो इस वजह से ठंडी रहेगी, जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आखिर में वैसे सलाम कर दें जैसे आपने पिछली वीडियो में किया था। अब हर बार करूँगा तो लोग बोलेंगे यार ये क्या ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, हर कोई अच्छा नहीं समझता ना। चले कोई बात नहीं, सीरियस रहने में चुप रहने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, चुप रहने में ज़्यादा उछल कूदने में ना बंदा गिर जाता है, टांग वांग में चोट लग जाती है। ये भी तो उछल कूद रहा है, वो तो जानवर है अपनी उम्र के हिसाब से, जब वो हमारी एज में आएगा। आप भी तो जवान हैं, चले एक बार मर्द हमेशा जवान रहता है, बुढ़ापे में भी जवान होता है, लेकिन हर टाइम मस्ती उछलना कूदना अच्छा नहीं लगता। चलिए मैं बोल देता हूँ आपके बोलने पे, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे व्यूअर मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी कुछ मिनट्स पहले उन्होंने डॉग परचेज़ किया, तो आइए इनसे बात करते हैं कौन सा परचेज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब, खैरियत से हैं? दुआ चाहिए आपके साथ। जी बताएं कौन सा डॉग परचेज़ किया आपने इस मार्केट से? सर इसका नाम तो मेरे को नहीं पता, मगर ये 11,000 रुपये में मैंने लिया। इससे पहले मैं बच्चा लेकर गया था तो वो कुछ और ही बन गया था ना। अच्छा, कुछ और बन गया था, वो गली के कुत्तों से भी जो है ना गया गुजरा था। अच्छा, तो इस चक्कर के अंदर अभी मैंने ये बड़ा लिया और एक ये लिया छोटा अगवानी कुची, एक ये अगवान कुची लिया। हाँ। आपने ये कितने का लिया? ये मैंने लिया है 5,000 रुपये में। 5,000 में लिया? जी ये लिया। ये 5,000 का लिया आपने और ये 11,000 ये 11 का लिया आपने। इसकी हमारे मालूम की इसकी पार्वो की वैक्सीन हुई है? नहीं, दोनों की नहीं हुई। अभी मैं जाके करवाऊंगा इसको, जाते ही इसकी पार्वो की लाजमी करवा लीजिए, ठीक है? करवाऊंगा इसकी जो है ना रेपिस की करवानी होगी मेरे को, ये लाजमी मेरे को करवानी है, इसलिए कि घर में मैं कुत्तों का सेटअप डालने के चक्करों में हूँ ना। अच्छा। तो इसके लिए मैंने घर भर लिया हुआ है अपना, 40 गज का एक प्लाट बनाया हुआ है। वैसे मुतमईन आप इस डॉग से? हाँ, सही मिल गया आपको? अभी सही मिल गया। चले मुबारक हो आपको, ठीक है। थैंक, नाम बता दें अपना। अल्ताफ हुसैन सैयद जाफरी। चले बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे जनाब, परियस हैं जी? क्या लेकर आए? पिटबुल के बच्चे हैं। पिटबुल के बच्चे लेकर आए, इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र है अभी 1.5 महीने। 1.5 महीने इनकी उम्र है, ठीक है। क्या प्राइस है? इनके मांग रहे 20। अच्छा, इनको टिक्स नहीं हो रही है? देखें टिक्स चल रहे हैं। हाँ ये हुए हैं इनको ना, वो क्या कहते हैं उसका नाम क्या है, कच्ची जगह में रखा था ना, इस मारे इनको लग गए। और ये बताएं कि अब इनको क्या दूध पिलाया जा रहा है? सिर्फ दूध है, बॉयल चिकन पे आ गया है, बॉयल चावल कीमा चावल। इसको पार्वो की डोज लगवाई? नहीं, पार्वो की वैक्सीन नहीं लगवाई। कब तक लगवाएंगे फिर? बस सेल आउट कर देंगे, जो लेगा खुद लगवा लेगा। ये बताएं कि फाइनल कितने तक में देंगे पेयर? आपको इसके लिए हो जाएगा 15,000 रुपये तक में हो जाएगा पेयर, 15,000 रुपये का। और सिंगल बच्चा? सिंगल देना ही नहीं है, पेयर ही दे देंगे। पेयर ही देना 15,000 रुपये का। इसके अलावा क्या लेकर है? क्या ये पुडल दिखाइए? रशियन पुडल। ये रशियन पुडल है? हाँ, ठीक है। क्या डिमांड है इसकी? ये प्रेगनेंट है, इसको ना तकरीबन 1 मंथ हो गया, प्रेगनेंट है। अच्छा, तो ये बताएं क्या प्राइस है? ये भी दे देंगे 15 की दे देंगे, 15 में देंगे। अच्छा, इसका डाइट रूटीन क्या है, क्या खिलाना है इसको खाने में? ये बॉयल चिकन खाती है, चावल कीमा चावल खाती है, बॉयल चिकन। कितने टाइम खिलाते हैं इसको? दो टाइम इसको खिलाया जाता है। और वॉक कितने टाइम करवाते हैं इसको? वॉक भी 2 टाइम। इसकी वैक्सीनेशन कम्प्लीट है? कम्प्लीट है, लेकिन हमारे पास पेपर कार्ड वगैरह नहीं है। पेपर कार्ड नहीं है, ठीक है। दोबारा रिपीट कब होगी फिर वैक्सीन? ये भी इसका भी कुछ पता नहीं है, भूल गए हम। पता नहीं कहीं से खरीद के ला रहे हैं जो कि आप भूल गए? नहीं नहीं, ये तो घर की है। घर की है तो फिर तो पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ यहाँ इतने तक। भाई ने ज़्यादा इन पे इंटरेस्ट लिया हुआ है, मेरे को इतना पता नहीं है, भाई को पता है। चलें अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। नाम मेरा उमेर है, फ़ोन नंबर मेरा 03-18-104-6039। ठीक है, लोकेशन बता दें अपनी। कोरंगी ना। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह। जी जनाब, आप क्या दिखा रहे हैं? ये टेरियर के बच्चे हैं। अच्छा, टेरियर के बच्चे हैं, ठीक है। इनकी उम्र कितनी है? ये 28 दिन की है। 28 दिन के हैं। हाँ जी, सेल्फ डाइट पर है, सीरीलैक वगैरह खा रहे हैं ये। सीरीलैक खा रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये बताएं कि अभी इनकी उम्र कितनी है? ये 28 दिन के बच्चे हैं। 28 दिन के हैं जी। और वैक्सीनेशन पार्वो वगैरह के? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं लगवाया? नहीं। अच्छा, इनको कितने टाइम खिलाया जा रहा है? ये तकरीबन 4 दिन से सीरीलैक वगैरह खा रहे हैं। 4 दिन से खा रहे हैं, सेल्फ डाइट पर है ये। और अगर हमारा व्यूअर लेगा कितने तक में एक बच्चा देंगे आप पपी? डिमांड तो 13,000 रुपये की कर रहा हूँ, तो ये है कि 10,000 रुपये में फाइनल दे दूंगा एक बच्चा। एक बच्चा 10,000। और ये तीनों फीमेल हैं? तीनों फीमेल हैं। हाँ जी। तो तीन ही है सिर्फ? ये तीन ही है।
कान भी इनके खड़े हैं बिल्कुल, अभी स्ट्रेट हो जाएंगे ये, कोट भी थोड़ा हैवी हो जाएगा इनका। चले अपना नाम बता दें, फ़ोन नंबर बता दें। नाम फेडरिक है, कॉन्टैक्ट नंबर 03433456458। लोकेशन पहलवान गुड गुलस्तान जोर। चलें बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। थैंक यू जी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मार्केट में सदर संडे डॉग मार्केट में जितने भी डॉग आए थे, आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे डॉग काफ़ी कम आए थे, लेकिन जितने भी डॉग आए थे वो आपके साथ शेयर किए। आज शदीद गर्मी है जिसकी वजह कर आज वीडियो बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, बार बार पानी पीना पड़ा। आप लोग को बता दूँगा कराची में अब गर्मी आ चुकी है, सख्त गर्मी आ चुकी है, धूप में बहुत ज़्यादा तपिश है, तो ये सारी अभी चीज़ें फेस कर रहे हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं व्यूवर्स के आज के अपडेट आप व्यूवर्स को पसंद आए होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से कंटिन्यूसली आप लोग के लिए अपडेट रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।